वेलकम टू ऑल टाइम फ्री ट्यूटर। अभी हम शुरू करेंगे डेसिमल ऑपरेशन का, दशमलव ऑपरेशन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर इसका वीडियो, हिंदी वीडियो जानना चाहते देखना चाहते हो तो ये वीडियो क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं ये कैसे इस्तेमाल करना होता है, दशमलव जो कैसे कर सुधारना है गलतियाँ, ठीक है। तो पहले क्या है, ये दशमलव डिजिट अप टू दशम, ये बिंदु कहाँ पर होगा, ठीक है। बिंदु के बाद मैक्सिमम दो डिजिट रहेंगे, ठीक है, दो ही संख्या हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक भी कर सकते हैं, ठीक है, सुनना मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये है कितना संख्या है, ठीक है। तो इसका जोक करेंगे, ये जोक देखने में आसान लगता है लेकिन लेकिन आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वन कहाँ पर लिखना है, किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, एट के ऊपर या नाइन के ऊपर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना कैलकुलेशन अपना कॉपी में करो, उसके बाद नीचे आओ और देखो क्या करना है, क्या करना है, एक शून्य के ऊपर लिखना है, क्योंकि ये जो दशमलव बिंदु है ये बिंदु को एक ही लाइन पे लिखना है, ये है सजाने के तरीका, यही है गलती है, होता है सिर्फ और कुछ नहीं, ऐसे सजाना होता है, ठीक है। इसको अगर बड़ा करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और टफ भी होगा, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा बड़ा संख्या है, हो गया, ठीक है। इसको कैसे सजाना है, देखो हर एक दशमलव बिंदु एक ही लाइन पे होगा, उसके बाद बाकी सब डिजिट अंक एक एक करके सजाना है लेफ्ट और राइट में, लेकिन दशमलव बिंदु एक ही, एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये प्रैक्टिस करो और गलती अगर कुछ हो रहा है तो वो सुधार लो आसानी से, ठीक है। तो अभी चलते हैं घटा में, दशमलव घटा में, ठीक है, डेसिमल सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, दो डिजिट तक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम फाइव डिजिट तक कर सकते हैं, ठीक है। इसको करो, वियोग करो, घटा करो, ठीक है, इसके बाद देखो आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। शुक्रिया।